असल पठान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दोस्तों उम्मीद करता हूं सब दोस्त होंगे और ख़रीद सूंगे दोस्तों अगर आप फेसबुक से के ऊपर काम करना चाहते हैं और फेसबुक पेज से पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आपके पास खुद की वीडियो बनाने के लिए कुछ नहीं है या आप खुद का कंटेंट बना नहीं सकते या आपके पास कोई टॉपिक नहीं है और आप ये चाहते हैं कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करके हम फेसबुक पेज से पैसे कमा सकते हैं तो आप कैसे कमाएंगे अः ये तरीकाकार कैसे होगा इसके लिए आपने ये वीडियो देखनी है आज इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप कैसे फेसबुक के ऊपर वीडियोस को अपलोड करेंगे बगैर कापी के और वहाँ से आप जो उसकी जो वज टाइम है उसकी जो फॉलोअर का टारगेट है दस हज़ार और छः लाख मिनट का टाइम वो आपने कैसे कंप्लीट करना है अगर आप ये चाहते हैं तो आज इसी वीडियो को आपने मिस नहीं कर देना है ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आपने फॉलो कर देना है अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करना ना भूलिए चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं अच्छा भाई तो यहाँ से आपने गौर कर देना है कि आपने फॉलोअर और वज टाइम दोनों को एक साथ में इंक्रीज़ करना है ठीक है तो भाई आप कैसे कर पाएंगे तो भाई इसके लिए एक सिंपल से तरीका मैं आपको बताता हूँ आपने यहाँ से बिल्कुल मुझे, मुझे फॉलो करना है आपने करना क्या है आपने जो है ना फेसबुक के ऊपर जाना है या यूट्यूब के ऊपर जाना है यहाँ से मैं आपको बताता हूँ ये मेरा अकाउंट है और यहाँ पर मैंने एक पेज के ऊपर वीडियो अपलोड की है आ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ठीक है तो ये वीडियो फ़िलहाल मेरे पास कैपे में पड़ी हुई है ठीक है मैं आपको बताता हूँ रीज़न बताता हूँ क्यों कैपे में पड़ी है तो भाई यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर ये वीडियो जो मैंने अपलोड की है ये कौन सी वीडियो है देखना ये काना पकाने वाला वीडियो है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वीडियो है यहाँ से काना वगैरह बनता है ठीक है तो भाई आपने इसी तरह कुछ वीडियोस उठाने हैं मैं बताता हूँ कैसे क्या किसके क्या करना है इसका इसके ऊपर कोई लोगो नहीं होता ठीक है आपने ये वीडियोस लेने हैं फिर उसके बाद आपने करना क्या है उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जाना है यूट्यूब के अंदर और यूट्यूब के अंदर आपने यहाँ पर सर्च पर लिखना है एक मिनट यहाँ पर लिखना है एन सी एस ठीक है तो ये जो है एन सी एस म्यूज़िक जो है आपने यहाँ से डाउनलोड करना है ये एन सी एस जो है ये बगैर कापीराइट की म्यूज़िक होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका चैनल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इनके पास तकरीबन बत्तीस मिलियन इनके पास सब्सक्राइबर है और तकरीबन एक हज़ार वे, आस पास वीडियो उन्होंने अपलोड की है ठीक है और यहाँ पर जितने भी म्यूज़िक यहाँ पे पड़ी हुई है ये बगैर काफी राइट के ये आप यूट्यूब के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप फेसबुक के ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर जितना अच्छा म्यूज़िक होगा यहाँ पर आपने वो डाउनलोड कर देना है फिर उसके बाद आपके पास कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ जैसे ये मेरे पास खप खट है और साथ में मेरे पास ये जो है ना ये कैन मास्टर है आपने इसके ऊपर ये वीडियो जो वीडियो मैंने आपको बताया उसको आपने डाउनलोड कर देना है और आपने इसके ऊपर उसका जो म्यूजिक है उसको काट कर ये जो कैपेराइट विदाउट कैपेराइट म्यूजिक है आपने ये लगा देना है और फिर उसके बाद आपने फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड कर देना है जब आप इसके ऊपर अपलोड करेंगे तो आपने तकरीबन दस पंद्रह ग्रुप आपने अच्छे से ज्वाइन करने हैं जो जिसके अंदर मेम्बर ज़्यादा हो तो आपने उस मेबर्स के पास जाके आपने करना क्या है ये वीडियो आपने वो ग्रुप में शेयर कर देनी है तकरीबन कुछ घंटों के बाद या कुछ चौबीस घंटे के बाद या तकरीबन अठतीस घंटे के बाद जितने भी घंटे बत्तीस घंटे ले लें जितने भी ले लें इस इसमें ये आपकी जो वीडियो है ये इंक्रीज हो जाएगी ये वायरल हो जाएगी सजेस्ट हो जाएगी और आपके पास लाइक और फॉलोअर आना शुरू हो जाएंगे तो आपके एक दो तीन वीडियो आपका चैनल का जो टारगेट के टारगेट है उसको कंप्लीट कर लेगा फिर उसके बाद आपने सैम्पल से करना क्या है यहाँ पर आपने आना है यहाँ पर गूगल क्रूम में और गूगल क्रूम में आपने फेसबुक जो है ना के है, स्टूडियो के ऊपर आना है क्रिएट स्टूडियो के ऊपर जब यहाँ पर आप आएँगे तो उसके बाद आपने यहाँ से अपने पेज को मोनेटाइज कर देना है ठीक है मोनेटाइजेशन के यहाँ पर मैं आपको सेटअप बतायाता हूँ यहाँ पे आपके जो जितना भी आपका आपको टारगेट दिया जाता है जितने भी आपको तरीक़ाकार बताया जाता है तो सब के सब यहाँ पर मौजूद होता है तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मोनेटाइजेशन के लिए अपनी अप्लाई कैसे करनी है तो यहाँ पर आप आएँगे तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर है मोनेटाइजेशन ठीक है तो यहाँ पर मैं मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे जितने भी पेज हैं यहाँ पर आ गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल आठ पेज हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मोनेटाइजेशन के लिए अपनी प्ले कैसे करनी होती है और यहाँ पर आपको बताते कैसे तो भाई यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा नीचे जाके आपको बताता हूँ जैसे मैं यहाँ से आपको तरीक़ाकार बताता हूँ व्यू पेज एलिजिबिलिटी तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी हर पेज का एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर आपको शो कर देगा स्टार्ट में अभी मैंने कॉपीराइट वीडियो अपलोड की है तो यहाँ पर मुझे पॉलिसी इशू का बता रहा है कि आपके पास पॉलिसी इशू है ठीक है लेकिन यहाँ पर ये मोनेटाइज हो सकता है यहाँ पर आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका टारगेट है दस फॉलोअर है आपके पास ये आपने साठ दिन में मुकम्मल करने हैं और ये एलिजिबिलिटी जो मिनट्स हैं व्यूड आपने ये साठ दिन में मुकम्मल करना है और आपने एक्टिव वीडियो इक जो है मतलब यानी आपके रोज़ाना की बुनियाद जो वीडियो अपलोड करते हैं और या आपने जो वीडियोस अपलोड की है वो कैसे चल रही है उसके ऊपर व्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर लाइक आ रहे हैं तो उसकी एक्टिवेशन जो है यहां पर आपको शो करता है हालांकि मैंने एक वीडियो अपलोड की है और उसके ऊपर दो तीन व्यूज आए होंगे लेकिन यहां पर मुझे परसेंटेज कितना बता रहा है बीस बता रहा है यानी अभी बीस मेरी वीडियोज एक्टिव है तो यहाँ पर आप देख सकते कि यहाँ पर मैंने सिर्फ़ एक ही वीडियो अपलोड की और इसके ऊपर कोई लाइक नहीं है मैं साथ में आपको और भी बताता हूँ ठीक है यहाँ पर है ये अदिल वैटी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा एक दूसरा पेज है ठीक है तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मेरा जो फॉलोर है वो कम्प्लीट हो चुके हैं यहाँ पर मेरे वीडियो का एक्टिवेशन जो है वो भी कम्प्लीट हो चुका है लेकिन मेरे पास व्यू मिनट जो है वो कम है क्योंकि इसी पेज के ऊपर मैंने जो है ना वीडियोज़ अपलोड नहीं किए थे इसलिए मुझे ये पॉलिसी का इशू बता रहा है कि पॉलिसी क्या है पहले पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी ये ये है कि यहाँ पर आपने ये सारे के सारी चीजें कंप्लीट करने होंगे तब जाके आपको ये ऑप्शन जो है आपको ग्रीन दिखेगा फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन देगा तो फिर आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देना है ठीक है तो भाई ये एक ज़बरदस्त तरीका है यहाँ से आप अपने पेजेस को जो है ना मोनेटाइज़ कर सकते हैं और तरीक़ाकार मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह जो जो है ना आपने फॉलवर कम्प्लीट करने हैं वाच टाइम कम्प्लीट करना है फिर यहाँ पर आपने सिंपल से अप्लाई कर देना है तो ये आप लोगों की आज की वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो किस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग